अगला क्वेश्चन है 2.18 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग ना, तो क्वेश्चन नंबर 2.18 है कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हिच शुड बी डिसॉल्वड इन 114 ग्राम ऑफ टिन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। मतलब आपको मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट को डब्ल्यू बी से निकालते हैं, देखिए मास इन ग्राम, डब्ल्यू बी मींस सॉल्यूट, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, कैलकुलेट, कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट करना है, व्हिच शुड बी डिसॉल्वड इन 114 ग्राम ऑक्टेन, ऑक्टेन का मास दिया हुआ है, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऑक्टेन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ऑक्टेन सॉल्वेंट ही होगा ना, ऑक्टेन का मास इन ग्राम दिया हुआ है 114 ग्राम। अच्छा ये ऑक्टेन है, याद रखिएगा ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18, इसको अगर मोलर मास इसका निकालिएगा, मोलर मास को एमए से दिखाएंगे, ए मींस मोलर मास, ए मींस सॉल्वेंट, तो 12 × 8 = 96 और 18 हाइड्रोजन का 18 दिया जाएगा 114 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया 114। डब्ल्यू बी निकालना है, डब्ल्यू ए दिया हुआ है, एम ए भी हम लोग निकालेंगे, और इसमें वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर जो फाइनल है वो पहले वाले से 80% होना चाहिए, पहले वाले का 80% मतलब पहले वाले से 80% होना चाहिए, तो पहले वाला वेपर प्रेशर मान लीजिए पी नॉट और बाद वाला वेपर प्रेशर मान लीजिए पी एस, पहले वाला कहने का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी नॉट, बाद वाला कहने का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस, तो पी एस जो होना चाहिए वो पी नॉट का 80% होना चाहिए, रिड्यूस होकर के कितना हो जाना चाहिए 80%, मीन्स पी एस जो है वो पी नॉट का 80%, यानी पी नॉट इंटू 80/100 हो जाना चाहिए, 80% मीन्स 80/100, यानी कि 10 से डिवाइड कीजिएगा 0.8 पी नॉट हो गया, इतना ही वैल्यू दिया हुआ है आपका, डब्ल्यू भी निकालना है, पी नॉट पी एस डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एम ए एम बी, अच्छा एम बी भी दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, एम ए एम बी, इन सभी को देखने से आपके दिमाग में आना चाहिए ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन, पी एस दिया हुआ है पी नॉट के टर्म में, एम बी दिया हुआ है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं इसमें, इन सारे चीजों को देखने से लग रहा है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे टर्म है, इसके लिए आपको एन ए चाहिए, एन ए इक्वल टू होता है डब्ल्यू ए बाई एम ए, डब्ल्यू ए है आपका 114 और एम ए भी है 114, डिवाइड कीजिएगा तो 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल, एम बी भी निकाल लीजिए, एम बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू बी नहीं दिया हुआ, डब्ल्यू बी निकालना है तो डब्ल्यू बी को डब्ल्यू बी छोड़ दीजिए और एम बी रख दीजिए 40, इतना मोल हो जाएगा। अब पी एस बराबर फॉर्मूला होता है पी नॉट इंटू एक्स ए, और लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, वैल्यू पुट करना है हम लोग को, पी एस इक्वल टू पी एस का वैल्यू रख दीजिए 0.8 पी नॉट, पी नॉट को पी नॉट ही छोड़ दीजिए, इंटू एन ए का वैल्यू रख दीजिए 1/1 प्लस एन बी का वैल्यू रखिए डब्ल्यू बी बाई 40, ये इंटू में है, पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा तो बच जाएगा 0.8 इक्वल टू 1/, इसका एलसीएम ले लीजिए 40 हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा 40 प्लस डब्ल्यू बी, ये 40 ऊपर चला जाएगा, यानी 0.8 इक्वल टू 40/40 प्लस डब्ल्यू बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 0.8 इंटू 40
0.8 × 14 ये आपका हो जाएगा 32 प्लस 0.8 × WB इक्वल टू 40 और 0.8 WB इक्वल टू 40 माइनस हो जाएगा 32, इसलिए WB इक्वल टू इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 8 by 0.8, पॉइंट हटाइएगा ऊपर मेंटेन हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 10 ग्राम हो गया आपका आंसर। कैलकुलेशन अपने से कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2.19 है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम वाटर हैज वेपर प्रेशर 2.8 kPa। व्हेन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9 kPa। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब देखिए, इस सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग WB से दिखाते हैं, वो दिया आपका 30 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है, MV नहीं दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। इसके बाद 90 ग्राम वाटर में मास ऑफ सॉल्वेंट WA 90 ग्राम दिया हुआ है, और चूंकि ये वाटर है तो वाटर का मोलर मास तो आप लोग जानते ही हैं, वाटर का मोलर मास हो जाएगा इनमें हाइड्रोजन 2 तो का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 तो 2 का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 2 प्लस 16 आपका हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पीएस दिया हुआ है 2.8 kPa। क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्वेश्चन है, तो उसमें हम लोग को याद होगा कि Na और Nb का जरूरत पड़ता है। तो Na निकाल लीजिए, Na बराबर होता है WA/Na, मास इन ग्राम बाय मोलर मास, मास इन ग्राम है 90 और मोलर मास है 18, तो 18 से 5 बार में कट जाएगा ये, यानी 5 मोल। और Nb WB/Nb, WB है 30 और Nb नहीं मालूम है, तो Nb को Nb छोड़ दीजिए इतना। अब फॉर्मूला आप लोग जानते हैं राउल्ट्स लॉ का होता है, Ps बराबर P0 × XA। Ps का वैल्यू रख दीजिए 2.8, P0 का वैल्यू P0 ही छोड़ दीजिए, और XA इक्वल टू होता है Na/Na+Nb, यहाँ पर लिख दीजिए इसको P0 × Na/Na+Nb। देख लीजिए Ps इक्वल टू P0 × X, XA का वैल्यू रख दीजिए, तो P0 × XA का वैल्यू होता है Na/Na+Nb। अब Na का वैल्यू रखिए जो अभी निकाले थे, 5 मोल, Na हो गया 5 और Nb हो गया 30/Nb। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2.8 = 5P0/5, LCM देखिए Nb हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 Nb + 30, Nb ऊपर आ जाएगा, यानी 2.8 = 5P0 Nb/5 Nb+30। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फर्दर इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है, When 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन,
इसमें 18 ग्राम वाटर ऐड कर दिया है, पहले से वाटर कितना था 90 ग्राम, 18 ग्राम मिला दीजिएगा तो WA कितना हो जाएगा 90 प्लस 18 108 ग्राम। मोलर मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, एमए तो एक ही रहेगा क्योंकि H2O फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, तो 2 प्लस 16 यानी 18 हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। और Na बराबर होता है WA by Na, तो WA है आपका 108 और Na है 18 मोल, डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 6 मोल। Nb वही रहेगा 30 by Nb, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूट का मोल जो करते हो रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं pH बराबर होता है P0, अच्छा pH इसमें दिया हुआ है, pH वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 2.9 किलो पास्कल, नया वेपर प्रेशर हो गया है 2.9 किलो पास्कल। अब pH का फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू P0 इनटू XA, या XA का वैल्यू रख दिया जाए Na बाई Na प्लस Nb, वैल्यू पुट कीजिए, pH का वैल्यू हो गया 2.9, P0 को P0 ही छोड़ दीजिए, Na है 6 मोल, फिर Na है 6 मोल और Nb है 30 by Nb, हाँ लंबा जा रहा है, और P0 अरे 2.9 इक्वल 6 P0 हो गया ऊपर में, नीचे LCM ले लीजिए Nb, ऊपर में हो जाएगा 6 Nb प्लस 30, ये Nb नीचे है ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 2.9 इक्वल टू 6 P0 Nb by 6 Nb प्लस 30, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व कर दीजिए, Nb और P0 निकल जाएगा। तो हम लोग करते हैं इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए था 2.8 और सेकेंड में था 2.9 इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में था 5 P0 Nb by 5 Nb प्लस 30 बाय, इक्वेशन सेकेंड में था 6 P0 Nb, तो उसको बटा में लिखना है, गुणा में लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, यानी ऊपर में हो जाएगा 6 Nb प्लस 30, इक्वेशन सेकेंड का LHS को उल्टा लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, डिवाइड करना है मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं इसको उल्टा लिख, 6 Nb प्लस 30 ऊपर चला जाएगा और 6 P0 Nb आ जाएगा नीचे, P0 Nb से P0 Nb कट जाएगा और 2.8 इंटू 5 Nb प्लस 30, 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 5 Nb प्लस 30 इक्वल टू 2.9 इंटू 5 Nb प्लस 30, 6 भी था यहाँ तो इंटू 6 इक्वल टू 2.9 इंटू 6 Nb प्लस 30 और यहाँ 5 भी है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2.8 इंटू 6 यह जाएगा 14, ये लास्ट में लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे
2.8 इंटू 5 हो जाएगा 14 एमबी प्लस 2.8 इंटू 30 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 884 और इंटू है आपका 6 थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा लंबा 2.9 इंटू 6 हो जाएगा ये आपका 17.4 एमबी प्लस 2.9 इंटू 30 3 इंटू 9 27 3 टू जा 6 और 2 8 हो जाएगा यानी 87 इंटू 5। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं ये हो जाएगा 6 इंटू 14 84 एमबी प्लस 6 इंटू 84 6 इंटू 4 24 6 इंटू 8 48 और 2 हो जाएगा 50 504 यहां पर देखिएगा 5 से 5 इंटू 4 25 इंटू 7 35 एंड 2 37 हो जाएगा 5 इंटू 1 5 और 3 8 हो जाएगा यानी 87 87 एमबी प्लस 5 इंटू 87 हो जाएगा 5 इंटू 7 35 5 इंटू 8 40 और 3 हो गया 43 435 और ये 84 MB है ये 87 MB है इसको उधर ले जाएंगे और ये 504 है ये 435 उसको इधर ले यानी 504 माइनस 435 इक्वल टू 87 MB ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 84 MB 84 एमबी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इधर 3 एमबी बचेगा और इधर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 14 में से 5 निकालिएगा तो 9 बचेगा 9 में से 3 निकालिएगा 6 बचेगा यानी ये बचेगा 69 ठीक है और इसलिए एमबी निकालना है तो 69 बाय 3 यानी 23 ग्राम पर मोल हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉलिड एमबी निकल गया। अब एमबी का वैल्यू अगर इसमें रख देंगे एमबी रख देंगे तो पी नॉट निकल जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एमबी इन इक्वेशन फर्स्ट में एमबी का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 2.8 इक्वल टू इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं फर्स्ट में भी रख सकते हैं किसी में भी रख सकते हैं एमबी का वैल्यू रखना है पी नॉट निकालना है तो पी नॉट इंटू एमबी का वैल्यू हो जाएगा 23 नीचे भी देखिए 5 इंटू 23 प्लस 30 इसको सोल्व कीजिएगा तो एमबी का वैल्यू आ जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रख दिए और उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 23 पचे 115 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए फिर 30 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 115 इंटू इतना हो जाएगा आपका 322 115 इंटू 2.8 322 प्लस 2.8 इंटू 30 कीजिएगा तो यह आपका आ जाएगा 84 इक्वल टू 23 पच 115 पी नॉट। अब हम लोग पी नॉट निकालना है तो पी नॉट इक्वल टू उसमें ऐड कीजिएगा 84 तो 4 और 2 हो जाएगा 6 और 8 और 2 हो जाएगा 10 और 3 और 1 हो जाएगा 4 406 बाय 114 इतना किलो पास्कल इसको सॉल्व करना है तो पी नॉट इक्वल टू इतना बाय इतना इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा।
ऐसे आंसर है आपका, हम बना भी दे सकते हैं 3.53 के लगभग में आ जाएगा। ऐसे आप लोग अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। इतना किलो पास थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं आता है, फिर भी इतना लंबा क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा तो इजी क्वेश्चन सोचिए कितना सही से बना लीजिएगा। तो लंबा क्वेश्चन इसलिए बनाना चाहिए ताकि इजी क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 2.20। 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग टेंपरेचर। देखिए फ्रीजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, नाम से फ्रीजिंग टेंपरेचर यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन होगा। मतलब न तो इजाउस फ्ला रहेगा, न तो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, और न ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रहेगा, न तो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग टेम्परेचर वाला फॉर्मूला है। If freezing temperature of pure water is 273.15 Kelvin, calculate freezing temperature of 5% glucose in water. 5% glucose in water. मतलब कि cane sugar in water का freezing temperature दिया हुआ है, pure water का भी freezing temperature दिया हुआ है, अब glucose in water का freezing temperature आपको निकालना है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसको मान लीजिए T1 273.15 केल्विन, ये कभी नहीं चेंज होगा, चाहे वो केन शुगर के लिए रहे चाहे वो ग्लूकोज के लिए, दोनों के लिए वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर T1 यही है। अब आते हैं फॉर केन शुगर, केन शुगर के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर को T2 मान लीजिए, और T2 दिया हुआ है 271, तो डेल्टा TF निकाल लीजिए, डेल्टा TF बराबर होता है T1 माइनस T2, T1 है 273.15 माइनस T2 है 271, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 2.15 के लिए हो गया, ये हो गया डेल्टा TF। 5% का मीनिंग तो आप समझ रहे हैं, 100 ग्राम में 5 ग्राम सॉल्यूट और 95 ग्राम सॉल्वेंट होगा, परसेंटेज का मीनिंग तो लिखने सिखाई थे, उसी के आधार पे मास ऑफ सॉल्यूट W भी हो गया 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट W हो गया 95 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का इसमें जरूरत नहीं पड़ता है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NB निकाल लीजिए, केन शुगर के फॉर्मूला से कार्बन का 12 होता है, 12 × 12 144, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 22 22 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 11 176 हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो 342 ग्राम फॉर्मूला आ जाएगा। इसको आप अपने से एक बार ऐड करके देख लीजिए। अब डेल्टा TF भी दिया हुआ है, डब्ल्यू भी, डब्ल्यू एन भी सब दिया हुआ है, फॉर्मूला जो था डेल्टा TF बराबर KF इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए, डेल्टा TF बराबर KF इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, KF नहीं दिया हुआ है, तो इससे आप KF निकाल लीजिए। KF यहाँ पे जो है जायरोस्कोपिक कांस्टेंट है या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग फॉर वाटर है। KF का मान अगर एक बार निकाल लिए तो वो चाहे उसमें केन शुगर मिलाइए चाहे उसमें ग्लूकोज मिलाइए, KF का वैल्यू दोनों के लिए सेम है। यदि इस फॉर्मूला से आप KF निकाल लीजिए और ग्लूकोज में यही वैल्यू पुट करके उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर निकाल लेंगे। चलिए KF निकाल लेंगे, KF इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TF इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी इंटू 1000, डेल्टा TF है आपका 2.15 केल्विन, एम बी है 342, डब्ल्यू ए है 95, डब्ल्यू बी है 5, 1000 भी है,
इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 13.97 केल्विन केजी पर। अब इसी वैल्यू को हम लोग रखेंगे ग्लूकोज की सॉल्यूशन। अब फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए केफ तो हम लोग यही ले लेंगे 13.97 केल्विन केजी पर 5% है, मींस डब्ल्यू पी हो गया 5 और डब्ल्यू ए हो गया 95। एम भी ग्लूकोज का ऐड कर लीजिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, कार्बन का 12 × 6 = 72, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 16 × 6 = 96, ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। अब इसके लिए डेल्टा टीएफ निकाल दीजिए, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है केएफ इनटू डब्ल्यूबी इनटू 1000 बाय एमबी इनटू डब्ल्यू। केएफ का वैल्यू रख दीजिए 13.97, डब्ल्यूबी 5 इनटू 1000 बाय एमबी 180 इनटू डब्ल्यूए, डब्ल्यूए है 95। पॉइंट घटाइएगा तो नीचे में 2 0 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 5 से 95 कट जाएगा, 18 × 90 342 हो जाएगा, यानी ऊपर में 1397 और नीचे में 18 × 90 342 हो जाएगा इतना केल्विन। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4.08 केल्विन आ जाएगा डेल्टा टीएफ। अब डेल्टा टीएफ मिल गया यानी चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर मिल गया, लेकिन क्वेश्चन है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ग्लूकोज निकालिए, मींस T2 निकालिए। अब डेल्टा टीएफ बराबर होता है T1 - T2, T2 इधर आएगा तो डेल्टा टीएफ उधर चला जाएगा, यानी कि T2 निकालना है तो T2 बराबर हो जाएगा T1 - डेल्टा टीएफ। T1 हम बोले थे कि हमेशा ये रहे 273.15 माइनस डेल्टा टीएफ आया आपका 4.08। सब्सट्रैक्ट कीजिएगा 269.07 केल्विन हो जाएगा। यही था फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ग्लूकोज। थोड़ा सा समझिए कि अगर चीनी मिलाते हैं 5% तो फ्रीजिंग टेम्परेचर 271 हो जाता है, 271 के, और जब ग्लूकोज मिलाते हैं 5% तो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 269 के, मीन्स ग्लूकोज जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर ज्यादा घटाता है चीनी के तुलना। चीनी जितना घटाएगा ग्लूकोज उससे ज्यादा घटाएगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2.22 देखिएगा, उसके फर्स्ट लाइन में सब कुछ दिया हुआ है, यानी कि उसमें कुछ नहीं बनाना कुछ नहीं, उसे केवल आप टेम्परेचर ले लीजिए, टेम्परेचर वही यूज करना है, टेम्परेचर है 300 केल्विन। क्वेश्चन जो हम अभी बताते हैं उसी में शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज अगर लिखना होगा तो आप बुक से लिख लीजिएगा, या जो हम यहाँ पर लिखे हैं यही क्वेश्चन भी है, यही आप सुन लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेम्परेचर है 300 केल्विन और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है π = 1.52 bar। आर आप जानते ही हैं, अगर प्रेशर बार के टर्म में है तो आर का वैल्यू होता है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। क्वेश्चन है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, सी निकालिए,
आप फॉर्मूला जानते हैं ना ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई ओवर टू सी आर टी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई आर टी, सी इक्वल टू पाई बाई आर टी। पाई गिवन है 1.52, आर गिवन है 0.083 और टेम्परेचर गिवन है 300, इतना एम, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पोलरिटी के टर्म में होता है। पॉइंट घटाइएगा तो नीचे 3 डिग्री के पहले पॉइंट है, ऊपर 2 डिग्री के पहले पॉइंट घटाइएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 152 बाई 83 इंटू 30 डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 0.061 m के लगभग में चला है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जो आप बनाइएगा, अगर मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, सी आर टी दिया हुआ है तो पाई निकाल दीजिए सिंपल फॉर्मूला से, और भी क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में बस इतना ही।